हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं केवी लाइन के बारे में। दोस्तों, ट्रांसमिशन टावर में और बहुत सारे पोल्स में जो तार गुजरती है, तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने केवी का ये लाइन है? तो दोस्तों, इसमें 7 तरह का ऐसे में बताया जो कि सिर्फ आप देख कर ही बता सकते हैं कि कितने केवी का ये लाइन है। ठीक है दोस्त, ये कितने केवी का ये लाइन है तो आपको बता दूँ। इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरे फुल देखिए। जैसे कि 11 केवी है, 33 केवी है, 66 केवी है, 132 केवी है, 220 केवी है, 400 केवी है, 765 केवी लाइन का मैं बस बिल्कुल आप देख कर ही बता सकते हैं कि ये कितने केवी का लाइन जा रहा है, कितने केवी का ये तार है। ठीक है दोस्त, तो देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, 11 केवी के लाइन के बारे में जान लेते हैं, आप कैसे पहचानेंगे सिर्फ देखकर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, 3 तार है RYB, आपको देखना है बस। यहाँ पे जो डिस्क लगा है ना, डिस्क इंसुलेटर लगा है, वो एक लगा है। ठीक है, जिसमें भी एक डिस्क इंसुलेटर लगा हो, आप समझिए को 11 केवी का लाइन वहाँ से गुजर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। जिसमें भी एक डिस्क लगा हो, उसमें 11 केवी का लाइन गुजरता है, वो तार में 11 केवी ही जा रहा है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं। ठीक है दोस्त, ये वीडियो में आप नहीं जानते हो तो क्या, बहुत कुछ जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। ओके दोस्त, दोस्तों आइए हम लोग जान लेते हैं 33 केवी लाइन के बारे में, आप कैसे पहचानेंगे, कैसे देखकर पहचानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो देख रहे हैं, 3 लाइन जा रहा है RYB। ठीक है, इसमें भी डिस्क आइसोलेटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना लगा है, इसमें 3 लगा है। ठीक है, यहाँ पे जो देख रहे हैं, 3 डिस्क आइसोलेटर लगा है, तो इसको आप 33 केवी लाइन बोल सकते हैं सिर्फ देखकर। नीचे से आप देखकर बता सकते हैं कि ये कितने की लाइन गुजर रही है, यहाँ से कितने की ये तार है। ठीक है, इस पोल पे तो आप 33 केवी के लाइन के बारे में जान गए, जिसमें 3 डिस्क लगा हो। ठीक है, डिस्क जो आइसोलेटर जो है, डिस्क आइसोलेटर 3 लगा हो, वो आप समझ जाइए कि ये 33 केवी का लाइन है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं 66 केवी लाइन के बारे में। ठीक है, आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये लाइन 66 केवी के जा रहा है। उससे पहले आपको बता दूं, ट्रांसमिशन टावर जो है 66 केवी लाइन के बाद से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये टावर लगना, ये टावर जो है ट्रांसमिशन टावर, ये लगना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया दोस्त, 66 केवी लाइन जब स्टार्ट होता है, वहाँ से ये टावर लगना स्टार्ट हो जाता है। पहले DP लगता है, जो पोल्स लगता है उस पर के तार जाता है, लेकिन यहाँ से 66 केवी के बाद से ये स्टार्ट हो जाता है ट्रांसमिशन टावर लगना। तो अभी हम लोग जान लेते हैं 66 केवी लाइन आप कैसे पहचानेंगे, कितना डिस्क इंसुलेटर रहेगा तो आप 66 केवी लाइन गुजर रहा है, इसमें से तार से गुजर रहा है, आप पहचानेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो देख रहे हैं टावर में, ये इंसुलेटर लगा हुआ है, डिस्क इंसुलेटर, वो 5 रहना चाहिए। ठीक है ना, 5 जिसमें भी डिस्क इंसुलेटर रहता है, तो आप समझ जाइए कि ये 66 केवी का लाइन गुजर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया, 5 डिस्क होना चाहिए, आप नीचे से ही आप काउंट कर सकते हैं कि इसमें कितना डिस्क है, ये तो क्लियर हो गया। दोस्तों पुराने ज़माने में लकड़ी का ही पोल रहता था, उसी पे ये केबल्स खिंचाता था, तार खिंचाता था, लेकिन अभी बड़े बड़े ट्रांसमिशन टावर लगना स्टार्ट हो गया है, लेकिन बहुत जगहों पे आपको ये देखने को मिलेगा, लकड़ी का और चाहे सीमेंट का पोल्स, उस पर ये आपका लाइन गुजरते हुए मिलेगा। तो आइए हम लोग जान लेते हैं 132 केवी लाइन के बारे में, आप कैसे पहचाने कितना डिस्क इंसुलेटर लगा रहेगा तो 132 केवी लाइन आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है दोस्त, उससे पहले दोस्तों आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड में वीडियो बनाते रहता हूं, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर ले, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो आपको पूरी प्रैक्टिकल मिलेगी। और दोस्तों लास्ट में आपको बताऊँगा कि एक क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर देना है, आप लास्ट वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पे 9 से 10 अगर डिस्क इंसुलेटर लगा हो तो 132 केवी लाइन गुजरता है उससे, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, 9 से 10 रहता है। ठीक है, और आपको बता दूँ 220 केवी लाइन कैसे गुजरता है, कैसे हम पहचानेंगे तो जान लेते हैं। दोस्तों इसमें देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको डिस्क इंसुलेटर कितना लगेगा, 15 से 16 डिस्क इंसुलेटर अगर लगा हो तो आप जान जाइए कि 220 केवी लाइन यहाँ से गुजर रही है। क्लियर हो गया, आपको 15 से 16 डिस्क इंसुलेटर लगता है, कहीं 15 रहता है, कहीं 16 रहता है। ठीक है, तो उसमें से आपको मालूम पड़ जाएगा 220 लाइन गुजर रहा है। दोस्तों यहाँ पे 400 केवी और 765 केवी लाइन का कैसे पहचानेंगे तो हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूँ कि 400 केवी लाइन और
765 की लाइन नीचे से देखना हो तो थोड़ा मुश्किल है, और आपको बता दूँ दूर से बहुत नज़दीक से जाकर देखना पड़ता है। तो इसमें अगर 400 केवी का लाइन रहेगा तो उसमें 30 से 31 डिस्क इंसुलेटर लगा रहेगा, और अगर 765 लाइन रहेगा केवी लाइन रहेगा तो उसमें 57 से 58 डिस्क इंसुलेटर लगा रहेगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये तो क्लियर हो गया आपको। नीचे से ही आप देख सकते हैं कितने का, आपको देख कर ही बता सकते हैं कि कितने का लाइन ये गुजर रहा है। ओके दोस्त, दोस्तों क्या आपको मालूम है टावर, ट्रांसमिशन टावर जो होता है उसमें जो तार गुजरती है उस पर एक बल्ब लगा रहता है, क्यों लगा रहता है बल्ब टाइप का, इसका क्या काम है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आप जानते हैं तो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।